नमस्कार, हमारे क्राइम स्टोरी पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, जिसमें हम एक घंटे की लंबी लंबी क्राइम स्टोरीज या फिर सस्पेंस स्टोरीज को छोटे में करके आपको सुनाएंगे, ताकि वो जो सस्पेंस है जिसके लिए आपको एक एक घंटा वेट करना पड़ता है वो जल्दी खुल जाए। एंड अगर आपको वो स्टोरी इंटरेस्ट करती है तो हम उसका वीडियो लिंक आपको दे देंगे, ताकि आप उस वीडियो को देख सकें। तो आज की कहानी के किरदार समझ लेते हैं। इसमें एक पति है जिसको हम रवि बुलाएंगे, एक बहू है जिसको हम बहू बुलाएंगे, एक ससुर है जिसको हम ससुर ही बुलाएंगे, और एक स्पेशल किरदार जो कि एक लवर का है उसको हम मुकेश बुलाएंगे। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि रवि और बहू की शादी होती है। बहू एक गांव की महिला होती है, जिनको शादी के बाद रवि अपने साथ शहर ले आता है। अब शहर के रहन सहन को समझने में एक गांव की महिला को काफ़ी तकलीफ होती है, जो कि हमारी बहू रानी के साथ हो रही थी। वो शहर का रहन सहन समझने में, वहाँ के तौर तरीके समझने में काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस कर रही थी, एंड इसमें उसको अपने पति का साथ नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि रवि अपने जॉब को लेके बहुत ज़्यादा ही बिजी रहता था। ना तो वो अपनी बीवी को सही से टाइम दे पा रहा था, ना ही उसका कोई सपोर्ट कर पा रहा। फिर भी अपनी पूरी कोशिश करके गाँव की बीवी ने अपने आप को शहर के चाल ढाल के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया। अब इस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए शॉपिंग वगैरह, राशन पानी वगैरह उसको खुद लाना पड़ता था, जिस वजह से वो मार्केट जाती थी। अब मार्केट में हमारे लवर बॉय मुकेश की एंट्री होती है। मुकेश ने बहुरानी को देखा और देखते ही दीवाना हो गया। वो बहुरानी को परेशान करने लगा, अप्रोच करने लगा। अब बहुरानी क्योंकि अपने पति के प्यार से दूर थी, उसका ना अटेंशन मिल पा रहा था ना प्यार मिल पा रहा था, इसी वजह से काफ़ी जल्दी वो भी मुकेश के प्यार में पिघल गई। दोनों का चक्कर चलने लग गया। अब चक्कर चला तो चक्कर ऐसा वैसा तो होता नहीं जो छुप जाए। अब इसी बीच गांव से उनके ससुर जी उनके साथ आके रहने लग गए। अब इस वजह से उनको अपने लवर मुकेश से मिलने में काफ़ी तकलीफ होने लगी, क्योंकि पति रवि तो सुबह ऑफिस चले जाते थे, बट अब जब वो अपने लवर मुकेश से मिलती जुलती थी, उस समय पे उसके ससुर जी घर पे रहने लगे, जिस वजह से वो उनसे मिल नहीं पा रही थी। अब आप समझ रहे होंगे कि कहानी कहाँ जाने वाली है। अब वही हुआ जो एक दिन होना था। तो एक दिन दवाई लेने के बहाने उसने अपने ससुर जी को घर से बाहर भेजा और तुरंत ही अपने लवर बॉय मुकेश को घर बुला लिया। अब अफसोस, ससुर बेचारे बूढ़े थे, अपना फ़ोन घर भूल गए थे, तो फ़ोन लेने के वजह से वो वॉक तुरंत ही घर वापस आ गए। बट उन्होंने एक बाइक खड़ी हुई देखी घर के बाहर, जिस वजह से वो थोड़े शक के घेरे में आए और दबे पाँव उन्होंने घर में एंट्री करी। अब एंट्री करी तो जो सबको उम्मीद थी वो उन्होंने देख लिया। अब ये देखते ही अपनी बहू को रंगे हाथों पकड़ लिया और धमकी दी कि मैं अपने बेटे को सब बता दूंगा, तू देख मैं अपने बेटे को सब बता दूंगा, तेरे सारे कर्म मेरे बेटे के सामने खोल दूंगा, तू देख। अब ये सब सुनने के बाद बीवी को तो घबराना ही था, और शाम होने का इंतज़ार दोनों बहू और ससुर कर रहे थे। बट जैसे ही पति रवि की एंट्री घर में होती है, बहू का अलग ही रूप दिखने को सामने आता है। अचानक से वो रोने धोने लग जाती है और पति रवि को अपने कमरे में ले जाती है। वहाँ जाके वो पति रवि को कहती है कि आपके पिताजी की मुझ पर गंदी नज़र है, वो मुझे नहाते हुए फ़ोटो खींचते हैं, मेरी वीडियो बनाते हैं, और आप पूछेंगे कि मुझे ये कैसे पता चला, तो ये देखिए फ़ोन, उनका फ़ोन, ये देखिए ससुर जी का फ़ोन, इसके अंदर मेरी सारी वीडियोस हैं, क्योंकि आप मुझ पर ध्यान नहीं देते हैं, आपके पापा जी ने सोचा कि अब उनका मौका है। ये सुन के पति रमेश के तो होश ही उड़ गए, और वो वीडियो देख के उसे तुरंत यकीन हो गया कि हाँ, खोट तो उसके पापा में ही था। इसके बाद तुरंत वो घर से रूम से बाहर जाता है, अपने पापा को खड़ी खड़ी खोटी सुनाता है। उसका पापा बेचारा बोलता रहा कि नहीं नहीं मैं गलत नहीं हूँ, तू मेरी बात तो सुन। बट वो कहाँ सुनने वाला था, क्योंकि उसने अपने पापा के फोन में वीडियो देख ली थी, अपनी बीवी की नहीं मानने वाला था, और तुरंत ही अपने पापा को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देता। इसमें हो जाती है बहुरानी की जीत, और पति रवि को बहुत बेशर्मी और घिनौना फील होता है कि उसके खुद के पापा अपनी खुद की बहू के साथ कुछ ऐसा कर सकते थे।
और उसे बहुत अफसोस होता है कि वो अपनी बीवी को सही प्यार नहीं दे पाया, सही साथ नहीं दे पाया, जिसकी वजह से उसे ये सब का सामना करना पड़ा। पति रवि काफ़ी गिल्ट में होता है। अब ये कहानी गढ़ने के बाद बहू रानी को लगता है कि सब रास्ते साफ हो गए हैं, अब उसके और उसके लवर बॉय मुकेश के बीच में कोई नहीं आ पाएगा। तो अगले दिन फिर जब पति रवि ऑफिस जाते हैं, वो तुरंत ही अपने लवर को घर बुला लेती है। लेकिन एक पिता जिसको पता है कि उसकी बहू गलत है, वो अपने बेटे को कैसे छोड़ सकता है ऐसे। तो ससुर जी ने फिर से घर में एंट्री मारी, फिर से अपनी बहू को रंगे हाथों पकड़ा, बट इस बार उन्होंने ये गलती कर दी कि वहीं खड़े खड़े उन्हें धमकी दे दी कि अब मैंने तेरी रिकॉर्डिंग कर ली है, अब तो ये वीडियो मैं अपने बेटे को दिखाऊंगा और तेरी सच्चाई का पता लगाऊंगा। अब तो हर कहानी की यही दुविधा होती है कि जब आप किसी को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं तो चुप रहिए ना, बाद में बताइए, शांत रहिए, पोल खोल लीजिए पहले। पर नहीं, सबको तो वहीं पे मैं तेरी बैंड बजाऊंगा, मैं सबके सामने तेरा सच लाऊंगा, उसी वक्त करना होता है। वही अंकल जी ने भी किया, ससुर जी ने भी किया और वही हुआ। वहाँ पे उसके लवर बॉय मुकेश ने उनका हाथ पकड़ा और बड़ी ही समझदारी से बहू रानी ने ससुर जी का हाथ काट दिया और सीन को ऐसा दिखा दिया कि ये एक सुसाइड था। शाम को जब पति रवि घर आए और पुलिस घर आई तो उन्होंने ऐसे बताया कि ये ससुर जी ने गिल्ट के मारे सुसाइड कर लिया। गिल्ट किस बात का? कि वो अपनी बहू की वीडियोस बनाते थे, बहू को गलत नज़र से देखते थे, जिसका प्रूफ तो ऑलरेडी फ़ोन में था ही, वही प्रूफ पुलिस को दिखा दिया और केस को रफा दफा करवा दिया। क्योंकि ससुर जी अब ऑलरेडी रास्ते से हट चुके थे, उनकी मौत हो चुकी थी, बहू रानी को लगा कि अब फाइनली रास्ता क्लियर है और मैं अपने लवर बॉय मुकेश के साथ जैसे चाहे वैसे रह सकती हूँ, क्योंकि पति रवि तो ऑफिस में ही बिजी रहते थे। तो उसने फिर मौके का फ़ायदा उठाते हुए तुरंत ही अपने लवर बॉय मुकेश को बुला लिया। अब मुकेश आया अपने बाइक पे, बाइक खड़ी करी, रूम के अंदर गए और उन्हें जो करना होता है वो कर रहे थे। बट उसके कुछ टाइम बाद ही पति रवि घर में आ जाता है और अपनी बीवी को रंगे हाथों देख लेता है, जिसकी वजह से अब उसे वो रंगे हाथों पकड़ लिया और अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था बजाय कबूल करने के कि ये गुनाह उसने किया है। स्टोरी के अंत में बहू रानी को जेल करवा दी जाती है अपने ससुर जी के खून में और बेटे और पति रवि को काफ़ी अफसोस रहता है। अब सस्पेंस की बात यह है कि पति रवि को आखिर पता कैसे चला। तो आखिर भी सस्पेंस हमें ये पता चलता है कि जब आखिरी बार ससुर जी, जिनको हम ये सोच रहे थे कि उन्होंने बिल्कुल भी समझदारी का काम नहीं किया है, धमकी दे दी अपनी बहू को कि मैं ये वीडियो दिखा दूंगा अपने बेटे को, वो असल में उन्होंने बहुत ही समझदारी से अपने फ़ोन में से मेमोरी कार्ड को निकाल के पायदान के नीचे छुपा दिया था। अब पति रवि, जब वहाँ पे साफ़ सफाई हुई, जब बाकी सब चीज़ें हो रही थी, तो पति रवि को वो मेमोरी कार्ड मिल गया। रवि ने अपने फ़ोन में वो मेमोरी कार्ड डाला और उसे वो वीडियो जो उसके पापा दिखाना चाहते थे वो मिल गई, जिससे पति रवि को ये कन्फर्म हो गया था कि जो उसके पापा बोल रहे थे वो एक्चुअल में सच था और जो उसकी बीवी ने कहानी गढ़ी थी वो झूठ थी। तो इस 42 मिनट्स के एपिसोड का सस्पेंस सिर्फ इतना ही था कि ससुर जी ने बड़ी ही समझदारी से मेमोरी कार्ड को कारपेट के नीचे छुपा दिया था, जिसकी वजह से उसके बेटे को कभी ना कभी तो वो मेमोरी कार्ड मिलना था और इस सस्पेंस का पर्दाफाश होना था। ये कहानी एक दूसरा रूप भी ले सकती थी और एक एपिसोड ना बनती या फिर एक कहानी ना बनती अगर पति रवि ने शुरुआत से ही अपनी बीवी पे थोड़ा फोकस किया होता, उसे प्यार और सपोर्ट जो उसे चाहिए था वो दिया होता, साथ ही साथ अगर ससुर जी ने अपनी बहू को ऐसा वैसा कुछ करते देख भी लिया था तो अपने बेटे को कंप्लेन करने से पहले वो एक बार अपनी बहू से बात कर सकता था कि ऐसी नौबत क्यों आए, क्या ज़रूरत है, क्या कमी रह गई, क्या पता वो आपस में इस बात को सुलझा लेते, क्योंकि बीवी इतनी भी बुरी नहीं थी जितना वो बन गई। तो आज की कहानी का अंत यही होता है, सस्पेंस हमने खोल दिया है। अब अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए और अगर आप चाहते हैं कि आप इसकी पूरी वीडियो देखें
अपने 42 मिनट्स अगर आप स्पेंड करना चाहते हैं इस वीडियो को देखने के लिए तो हमें बता दीजिए, हम लिंक शेयर कर देंगे आपके साथ। धन्यवाद।